हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, सक्सेस स्टोरी ऑफ इमामी। दोस्तों हो सकता है कि आप इमामी नाम पहली बार सुन रहे हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बोरोप्लस, नवरत्न तेल, फेयर एंड हैंडसम और झंडूबाम जैसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना किया हो। दोस्तों ये चारों प्रचलित प्रोडक्ट्स का निर्माण इमामी करती है। इन चार प्रोडक्ट्स के अलावा इमामी और 300 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स का निर्माण करती है। आज इमामी का टर्नओवर 3000 करोड़ के आसपास है। अब तो आप इमामी की सफलता को समझ चुके होंगे, तो चलिए दोस्तों बिना समय व्यर्थ किए इमामी की कहानी को शुरू से जानते हैं। फ्रेंड्स ये बात है 1945 कलकत्ता की, जब अग्रवाल परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम राधेश्याम रखा गया। और 1946 में गोयनका परिवार में भी एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम भी किस्मत से राधेश्याम रखा गया। समय के साथ दोनों बड़े हुए और दोनों का एडमिशन अलग अलग स्कूलों में हुआ, जिसमें राधेश्याम अग्रवाल महेश्वर विद्यालय में पढ़ा करते थे। आगे चलकर राधेश्याम गोयनका भी महेश्वर विद्यालय में पढ़ने चले आए। गोयनका अग्रवाल से एक कक्षा पीछे थे। उन दोनों का एक कॉमन फ्रेंड था जो गोयनका का पड़ोसी था और अग्रवाल का क्लासमेट था। इसी कॉमन फ्रेंड के जरिए दोनों की मुलाकात हुई और देखते ही देखते दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। अग्रवाल लगभग हर दिन गोयनका के घर जाने लगे। गोयनका के पिता वैसे तो गर्म मिजाज के थे, पर अग्रवाल के लिए उनके दिमाग में खास जगह थी। वो खुद कचौरियाँ बना के अग्रवाल को खिलाया करते थे। अग्रवाल और गोयनका ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद एक ही शहर की दो अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। दोनों अक्सर कहीं ना कहीं बैठ के बिजनेस करने की बात करते रहते थे। वो दोनों एक लाइब्रेरी में बैठ के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने का फॉर्मूला ढूंढते रहते थे। उन दोनों के दिमाग में हमेशा ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तलाश रहती थी। कॉलेज के दरमियान ही दोनों इस बोगल और टूथब्रश का रीपैकेजिंग करके मार्केट में बेचते थे। यहाँ तक कि वो खुद लूडो बोर्ड्स घर में बना के उन्हें रिक्शा पे अलग अलग बाजारों में बेचने निकल पड़ते थे। ऐसा जुनून और ऐसी मेहनत के बाद भी दोनों का बिजनेस पैसों की तंगी की वजह से बंद हो जाता था। इसी बीच 1968 में दोनों ने अपनी कॉलेज पूरी कर ली। कॉलेज के बाद उनको एक अच्छा सा बिजनेस करना था, पर इन्वेस्टमेंट की समस्या उन्हें यह करने नहीं दे रही थी। तभी गोयनका के पिता ने उन दोनों को 20,000 रुपये की मदद की। उस समय पे 20,000 की कीमत बहुत थी। 20,000 लेके दोनों ने नॉर्थ कलकत्ता में केमको केमिकल्स की शुरुआत की। शुरुआत में केमको केमिकल्स सस्ते कॉस्मेटिक का रीपैकेजिंग किया करती थी। अग्रवाल और गोयनका दोनों खुद बाजार बाजार जाके ये सस्ते कॉस्मेटिक दुकानों पे और बाकी जगहों पे बेचा करते थे, पर बिजनेस में अनुभव ना होने के कारण उन्होंने कभी पैसों का हिसाब नहीं रखा और साल खत्म होते होते पैसों की तंगी हो गई। उन दोनों ने बिजनेस बंद करने की सोच ली और यही बात करने वो गोयनका के पिता के पास गए थे। तभी गोयनका के पिता ने फिर से मदद करते हुए 1,00,000 रुपए और दिए और कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर तुम दोनों ये बिजनेस बंद मत करना। ये 1,00,000 रुपए लेकर उन्होंने बिजनेस को वापस शुरू किया। कई साल ऐसे ही कॉस्मेटिक का रीपैकेजिंग करके बाजारों में बेचते रहे, पर उनकी प्रोडक्ट्स का मार्जिन एकदम कम था। यहाँ तक कि वो एक डजन कॉस्मेटिक सिर्फ 3 रुपए में होलसेलर को बेचते थे। इसके अलावा उनकी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग लो क्वालिटी का था। दोस्तों इन सब कारणों से उनका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इसी दरमियान उन दोनों की शादी हो गई और शादी के बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। पैसे कमाना शौक कम और मजबूरी ज्यादा बन गया। उसी दरमियान दोनों को बिरला ग्रुप के लिए काम करने का मौका मिला। दोनों असमंजस में थे कि बिजनेस के साथ रहे या जॉब करने लगे। जिम्मेदारियों को देखते हुए दोनों ने जॉब करने का तय किया। जॉब में धीरे धीरे दोनों की अच्छी सैलरी हो गई। घर के खर्चे निकालने के अलावा भी अच्छे खासे पैसे बचते थे, पर दोनों के मन में अब भी जॉब से ज्यादा बिजनेस के लिए जगह थी। उनको खुद बॉस बनना था, ना कि बॉसेस के आसपास रहना था। इसी सोच के साथ बिरला जैसे बड़े ग्रुप में 5 साल का अच्छा अनुभव लेने के बाद दोनों ने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने एक कंपनी बनाई इमामी, पर इस बार वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने केमको केमिकल्स में की थी, जैसे कि पैसों का हिसाब ना रखना, कम मार्जिन, लो एंड पैकेजिंग वगैरह। इन सब बातों को ध्यान में रखकर उन्होंने कोल्ड क्रीम, वेनिशिंग क्रीम और टेलकम पाउडर को लॉन्च किया। दोस्तों उस टाइम पे इंडिया में क्वालिटी कॉस्मेटिक नहीं मिला करती थी और विदेश से आई चीज़ों पे गवर्नमेंट 140% टैक्स लगाती थी, जिसके कारण वो बहुत महंगी बिकती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इमामी ने अपनी प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग इतना शानदार बना दिया कि वो प्रोडक्ट्स विदेश से आई प्रोडक्ट जैसी ही लगे। जैसे कि पहले टेलकम पाउडर टिन के डब्बों में मिला करता था, पर इमामी ने प्लास्टिक के डब्बे इंट्रोड्यूस किए जिसके ऊपर अच्छे से डिजाइनिंग की जाती थी, जिससे प्रोडक्ट एकदम इम्पोर्टेड लगती थी। उस टाइम पे प्रोडक्ट्स के ऊपर MRP लिखना जरूरी नहीं था, जिसके चलते इमामी अपनी प्रोडक्ट्स को इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरह मार्केट में पेश करते थे और एक भारी मार्जिन के साथ प्रोडक्ट्स को बेचते थे। होलसेलर को भी बाकी कंपनियों की प्रोडक्ट्स पे सिर्फ 10% ही मार्जिन मिलता था, पर इमामी की प्रोडक्ट्स पे बाकी कंपनियों के मार्जिन से 400% ज्यादा मार्जिन मिलता था। इसके चलते होलसेलर खुद यही कोशिश में लगे रहते थे कि वो इमामी की प्रोडक्ट्स बेचे।
ऐसी जबरदस्त पॉलिसी के चलते कुछ ही सालों में इमामी ने सक्सेस का ट्रैक पकड़ लिया। आगे चलकर इमामी ने कुछ ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जो एक हिस्टोरिकल सक्सेस बन गए। जैसे कि 1984 में इमामी ने बोरोप्लस लॉन्च किया। बोरोप्लस लोगों के सामने आयुर्वेदिक क्रीम के तौर पर लॉन्च किया गया था। सिर्फ अगले 3 साल में बोरोप्लस मार्केट लीडर बन गए। 5 साल बाद 1989 में नवरत्न कूल तेल लॉन्च किया। इस तेल को 9 आयुर्वेदिक रत्नों को मिला के तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम नवरत्न रखा गया था, जिसको सर पे लगाने से एक अलग ही ठंडक का एहसास होता है। साथ ही हेडेक, फटीग और टेंशन जैसी सिचुएशन में नवरत्न तेल लगाने से राहत महसूस होती है। नवरत्न तेल की ब्रांडिंग कई सालों से बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन करते रहे हैं। दोस्तों, साल 2005 तक फेयरनेस क्रीम जैसे कि फेयर एंड लवली वगैरह सिर्फ वुमेन्स के लिए ही मिला करती थी। तब लोग सोचते थे कि मर्द फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते। इस पे इमामी ने एक सर्वे किया ये पता लगाने के लिए कि क्या वाकई में मेन इस तरह की फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते। पर सर्वे में यह सामने आया कि दरअसल 30-35% फेयरनेस क्रीम मर्दों के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इमामी ने शायद दुनिया की पहली मेन फेयरनेस क्रीम लॉन्च की, फेयर एंड हैंडसम, जिसको मर्दों से जुड़ी हुई एडवर्टाइजमेंट से मार्केट में प्रचलित किया गया। आगे चलकर फेयर एंड हैंडसम के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान, जिससे फेयर एंड हैंडसम का सेलिंग और बढ़ गया। साल 2008 में इमामी ने प्रचलित जंडू फार्मास्यूटिकल को खरीद लिया। आज की तारीख में जंडू बाम, जंडू च्यवनप्राश, जंडू नित्यम चूर्ण, जंडू केसरी जीवन, जंडू पंचरिश्ता जैसे जंडू प्रोडक्ट्स मार्केट में प्रचलित है। दोस्तों, समय के साथ इमामी ने कई और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की और आज की तारीख में इमामी की 60 से भी ज्यादा देशों में 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। समय के साथ एक्सपेंशन करते हुए इमामी ने कॉस्मेटिक के अलावा इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड, इमामी सीमेंट लिमिटेड, इमामी एग्रोटेक लिमिटेड वगैरह में भी पैर जमाना शुरू किया है। तो दोस्तों, ये थी इमामी की अमेजिंग स्टोरी। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।